सब लोगों का खैर मकदम है। लाइब्रेरी लेक्चर सीरीज में आज आप लोगों को जैसा कि मालूम है, हम लोग अमीर खुसरो के बारे में कुछ सुनेंगे। इनके नाम से तो आप सब लोग अवेयर होंगे, आई थिंक सो। खुदाबख्श लाइब्रेरी के ये ऑब्जेक्टिव में रहा है कि हम लोग प्रमोट करते रहे सूफिज्म को, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, सोशियो कम्युनल हार्मनी और हिंदुस्तान के गंगा जमनी कल्चर को। आप भी इन वर्ड से अब तक अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे। ये अमीर खुसरो एक सूफिज्म की भी अलामत है और कंपोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब के तो बहुत बड़े प्रतीक हैं। इससे पहले हम लोग दारा शिकोह को याद कर चुके हैं, आप लोग भी उस दिन मौजूद थे। अभी पिछले हफ्ते की बात थी, लाइब्रेरी ने दारा शिकोह पर एक शानदार लेक्चर ऑर्गेनाइज कराया था और स्पीकर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। आज हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर साहब हैं, जिन्होंने अमीर खुसरो पे बहुत शानदार काम किया है और मैं आपको ये इनकी किताबें दिखाऊं। ये इनकी लेटेस्ट बुक है, अमीर खुसरो, शख्सियत, फिक्रोफन और तसव्वुफ। हमारी लाइब्रेरी में ये किताब आ चुकी है, आप लोग जब चाहें इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक ये किताब हिंदी में है, अमीर खुसरो, भाषा, साहित्य और आध्यात्मिक चेतना। हिंदी और उर्दू दोनों में ये किताबें मौजूद हैं और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी होगी ये। तो आज हम अमृत महोत्सव को मनाते हुए अमीर खुसरो को इसलिए याद कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इस परंपरा का सबसे बड़ा आदमी था, गंगा जमनी कल्चर हमारी तारीख में सबसे पहला और सबसे बड़ा आदमी, गंगा जमनी कल्चर का। हिंदुस्तान बल्कि बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट में शायरी के नाम पर दो नामों से ये पहचाना जाता है, हिंदुस्तान दो बड़े नामों से पहचाना जाता है, अमीर खुसरो और गालिब, मिर्जा गालिब। दोनों तुर्क थे, टर्क्स, और दोनों हिंदुस्तान ही में पैदा हुए, परवरिश पाई और फिक्र को परवान चढ़ाया और हिंदुस्तान ही की मट्टी में जा मिले। अमीर खुसरो जिनकी सैकड़ों पहेलियां आपने भी सुनी होंगी और जिनके हिंदवी कलाम पर प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने, फिर हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर साहब ने रिसर्च कर डाली। ये कितना कलाम गोपीचंद नारंग के नज़दीक खुसरो का है और कितना जाकिर साहब, ये हमारे स्पीकर, लर्नेड स्पीकर जाकिर हुसैन जाकिर साहब के मुताबिक सचमुच खुसरो का कलाम है। दिस इज अ मैटर ऑफ रिसर्च एंड हैज बीन अ लॉन्ग डिस्कशन सिंस लॉन्ग। तो अब जो बात चल पड़ी, मेरी अर्ज ये है कि सीना व सीना रिवायत की बड़ी अहमियत होती है और वो रिवायत तो यही कहती है कि कलाम खुसरो ही का है। अब अलीगढ़ एडिशंस की बात हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अब से एक सदी पहले अमीर खुसरो के तमाम वर्क्स को एडिट करके पब्लिश कर दिया और उन वर्क्स ने अमीर खुसरो को, उनके कामों को एक परमानेंसी दे दी, हयात जावेद दे दी, नई जिंदगी।
ترقی دیتی ہے امیر خسرو کو اس طرح سے کاموں کو ریوائیو کر کے. یہ 1920s کی بات ہے. خسرو پر بہت اچھا کام ہو گیا, خاص طور پر پروفیسر عسکری نے ہندوستان میں اور پروفیسر ممتاز حسین نے پاکستان میں بہت شاندار کام کیا امیر خسرو پہ. اب یہ ہندوی کے فروغ کی سلسلے میں بات ہو جائے, اس کا پروموشن کیسے کیسے پروموشن میں امیر خسرو کا کانٹریبیوشن رہا ایک جھلک اس طرف. خسرو اور غالب بلکہ اقبال بھی, بلکہ میں کہوں کہ لتا منگیشکر بھی, دلیپ کمار بھی زمین پر کھینچی ہوئی سرحدوں کو نہیں مانتے. یہ سب کے سب تو یہاں سے وہاں تک سب کے بڑے عزیز بڑے پیارے رہے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی. یہ سب خاص کر امیر خسرو گنگا جمنی کمپوزٹ کلچر کے لوگ رہے ہیں, سب اپنے اور سب بہت پیارے. بڑے پیار سے یاد کیا جاتا ہے آج ان کو, سرحد پار بھی اور ادھر بھی. امیر خسرو کا کلام جس زبان میں ہے, اس زمانے میں اسے ہندوی کا نام دیا جاتا تھا, ہندوی. اور صدیوں تک فارسی اردو اسکرپٹ میں یہ لکھی جاتی رہی. آج جس کا نام ہندی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ہندی کے ڈیولپمنٹل اسٹیج میں امیر خسرو اس طرح ایک بڑا نام ٹھہرتا ہے. یہ جتنے اردو والوں کے دل کے قریب ہیں اتنے ہی ہندی والوں کو پیارے ہیں. یعنی ایسا کم ہی ہوا ہے کہ ایک شاعر دونوں زبانوں میں اس قدر پاپولر ہو. ریسرچز ہندی میں بھی خوب ہوئی ہیں اور اب ہندوی کلام ڈسکور کر کے برلن کا نسخہ دریافت کر کے ڈاکٹر گوپی چند نارائن مرحوم نے اردو کے بڑھا رہے ہیں. امید ہے ان کا یہ لیکچر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا. آئیے ہم سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر صاحب کو, جن کی میں نے آپ کو کچھ کتابیں دکھائیں اور اب یہ ہمیں آپ کو کچھ بتائیں گے امیر خسرو کے بارے میں. تو موسٹ ویلکم ذاکر حسین ذاکر صاحب, پلیز کم. میں شکر گزار ہوں خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کا. ڈائریکٹر ڈاکٹر شائستہ بیدار میڈم کا اور یہاں لائبریری کے اسٹاف حضرات سب کا شکر گزار ہوں, اور بیٹھے ہوئے سامعین جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر طالب علم ہیں, میں سب کا خیر مقدم کر رہا ہوں. میرا ارادہ امیر خسرو پہ اتنا وسیع پیمانے پر کام کرنے کا نہیں تھا, تو اتفاق سے ہمارے شہر میں کچھ ہمارے دوست جو ہندی مومن دوست تھے وہ اکثر فرمائش کر دیتے تھے خسرو کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے. خسرو کیا ہے, کیسا ہے, یہ چھاتی لگ سب چھینی رے کیا ہے, بتاؤ ذرا یہ ذہال مسکی مقوم بلندس والی غزل محمود غزل ہے یہ ہندی فارسی کی. اس پہ کئی لوگوں نے فلموں میں بھی اس کو کوٹ روڈ پہ پیش کیا ہے. ذہال مسکی مقوم تغافل دورائے نینا بنائے جاتے ہیں, کیا ہے یار یہ ذہال کیا ہے, ذہال کے بارے میں بتاؤ. تو میں نے سوچا کہ اردو میں تو بہت اہم ترین آرٹیکلس ہیں, مضامین ہیں, مقالے ہیں, ان کو خاص طور سے ہندی میں ترجمہ کر کے اور ان کے لیے میں یہ کام میں نے 2017 میں شروع کیا. تو میں نے خوشمن سنگھ کو ٹیک اپ کیا, اور ان کا ایک بہت ہی مشہور ناول ہے دلی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اس میں انہوں نے امیر خسرو پہ بڑی عجیب باتیں کہیں جو عام طور پہ لوگوں کو وہ شخصیت
का उस तरह का एहसास नहीं है, यानी उन्होंने तोड़ दिया अमीर खुसरो को, बिना परवर मतलब ही खुदगर्ज इस तरह के कुछ, या तंस का तीर चलाने के लिए बेइंतहा मशहूर थे, ऐसी बातें कर देते थे जो दिल के अंदर तक छुप जाती थी। इस तरह की बातें खुशवंत सिंह ने लिखी थी। फिर मैंने इरफान हबीब साहब के वालिद प्रोफेसर मोहम्मद हबीब साहब हिस्टोरियन बहुत बड़े थे, उन्होंने एक मकाला लिखा था अमीर खुसरू ऑफ दिल्ली इस तरह करके, उन्होंने भी कुछ इस तरह की सच्चाई बयान की थी, लेकिन उनमें खास तौर से हिंदुस्तान से प्रेम का जो उनका पेशकश थी वो बड़ा अजीब सा लगा मुझे। हिंदुस्तान से मुहब्बत का जो जज्बा था, ये हिंदी का जो लफ्ज का ईजाद किया जो हमारी जबान हिंदी है, वो अमीर खुसरू की ही देन है, उन्होंने हिंदी करा। अब ये उर्दू वालों के जो आज का उर्दू वाला है उसकी एक बदकिस्मती है कि उन्होंने हिंदी छोड़ दिया आज से 200 साल पहले और उसको उर्दू कर दिया, रैन नैन ये सारी चीजें छोड़ के और सर पे सर और लब पे चले गए। तो हिंदी के जो लोग हैं खासतौर से हमारे भारत हिंदू हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने 1881 में उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया, वो था उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, रसा तफल्लुस करते भारत हिंदू हरिश्चंद्र, बड़ी अच्छी गजलें हैं। हिंदी वालों के तासुब से ईर्ष्या की वजह से उन्होंने उर्दू वाले की ईर्ष्या की वजह से उन्होंने उर्दू छोड़ दिया, शायरी भी छोड़ दिया, और उन्होंने लिखा कि उर्दू बेगम की मौत एक ड्रामा उन्होंने लिखा छोटा सा। उसके बाद से ये हिंदी उर्दू का चक्कर चला जिसमें 1801 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज ने और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने वो नींव रखी दी थी, लेकिन ये हिंदी का जो लफ्ज़ है हिंदवी जिसको अमीर खुसरू ने कहा वो उसमें अवधि या भ्रंश और अवधि और ये ब्रजभाषा वगैरह के तमाम अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने कहा कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने सांझ भई चौदेस, ये एक दोहा था, इसके पीछे एक कहानी है कि वो बहुत गहरे दोस्त थे, में जब उनकी डेथ हो गई तो अमीर खुसरू दिल्ली में नहीं थे, वो गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाली की मुहिम पे फौजी मुहिम पे गए हुए थे। इसी दौरान वो एक और भी कहानी है उसमें कि गयासुद्दीन तुगलक ने ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया को कहा था कि मेरे बंगाले से वापसी के बाद आप दिल्ली छोड़ दीजिएगा, शहर के कोतवाल को ये हुक्म दे दिया था कि वो जब मैं दिल्ली वापस आऊं तो शेख से कहना कि वो दिल्ली में न रहें वरना उनकी खैरियत नहीं है। बंगाले से जब वापस आ रहा था तो वह कामयाब मुहिम थी उसकी, पुहर वगैरह कई इलाके उसने फतह कर लिया था, गोल भी फतह कर लिया था। फिर उसके स्वागत में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दरवाज़ा एक इस्तकबालिया दरवाज़ा बनाया था और वहाँ दावत का बहुत बड़ा एहतमाम किया था महरौली के आगे, दिल्ली से थोड़ी दूर और आगे, तो वहाँ रात का खाना था और वहाँ पहुँचते पहुँचते खाना खाने के बाद जब वो गेट से बाहर निकल रहे थे गयासुद्दीन तुगलक तो दरवाज़ा अचानक गिर गया और वहीं उनकी मौत तुरंत मौत हो गई। उसके पहले शहर का कोतवाल गुजारिश कर चुका था महबूब इलाही से कि आप शहर छोड़ दीजिए, सुल्तान करीब आ चुका है, उन्होंने कहा था हनोज दिल्ली दूर है, यानी दिल्ली अभी दूर है, तुम जाओ आराम से अपने बच्चों में बच्चों के साथ रहो और खाओ पियो, मौज करो, मेरी फिक्र ना करो। इस दौरान गयासुद्दीन तुगलक की हादसे में मौत हो जाती है। पहली बार इस हादसे को क्रिएटिव बताया इब्ने बतूता ने, कहा कि ये मारने की साजिश थी मोहम्मद बिन तुगलक की कि जल्द से जल्द गयासुद्दीन तुगलक का खात्मा हो जाए, और उन्होंने दरवाज़ा ऐसा बनवाया कि वो गिरे उसी वक्त गिर जाए, क्योंकि अहमद अयाज साना नाम का जो मुलाजिम था जिसने दरवाज़ा बनवाया था उसको बाद में उन्होंने इनाम दिया और वजीर बना दिया, बजाय ये जाँच करने की तुमने कैसे बनवाया था कि दरवाज़ा गिर गया। इस पर इब्ने बतूता अपने सफरनामे में लिखता है, और किसी ने सुबह जाहिर नहीं किया जब ये बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक बन गए तो दिल्ली में काफ़ी खुशियाँ मनाई गई।
वो अजीबोगरीब किस्म का इंसान था। हिस्ट्री के हमारे स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे या हजरात आप सब लोग जानते होंगे, अजीबोगरीब इंसान था, बहुत ज़हीन भी था और उसी तरह से उसके फैसले भी होते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक का तो काम तमाम हो गया, लेकिन अमीर खुसरू पीछे रह गए थे। जब वो दिल्ली पहुँचे तो उस वक्त शेख का इंतकाल हो चुका था। कहा जाता है कि जब वो आए दिल्ली में तो उन्होंने शेख के मजार पे हाजिरी दी और ये दोहा पड़ा कि गोरी सुबह से एक बार मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने साझ भाई चौके। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने सियाह कपड़ा पहन लिया और रुकोश हो गए, यानी दुनिया से किनारा कस हो गए। लेकिन मेरी जो तहकीक कहती है खुशवंत सिंह और प्रोफेसर मोहम्मद हबीब साहब के हवाले से, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दो दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में हाजिरी दी और उन्होंने कभी किनारा कसी नहीं की कि बतौर सूफी। हमारे यहाँ अमीर खुसरू के सूफी होने और दुनियादार इंसान होने के मामले में बड़ा झगड़ा है, लेकिन उस झगड़े के पीछे हमारी हिंदी शायरी है। क्योंकि हमारी जो हिंदी शायरी जिसको अमीर खुसरू ने बड़ी तादाद में लिखा है, जिसका मैं भी जिक्र करूँगा, उसमें ख़ास तौर से कुछ ऐसे अशार और ऐसी नज़में हैं जो अपर क्लास या तबका अशराफिया जिसको इलीट कहा जाता है मुसलमानों में, मुसलमानों के इलीट तबके ने उसको कबूल नहीं किया। जैसे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, अभी यहाँ गाया जा रहा था, बात अदम का दीनी रे मुझसे नैना मिला के, या कई दोहे ऐसे हैं खुसरू दरिया प्रेम का जाती उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया जो डूबा सो पार, खुसरू गायन सुहाग के जागी पी के संग, तन मेरो मन पीओ को दो भयो एक रंग। तो पंखा होकर मैं डुली साथी तेरा चाव, मुझ जली जन्म गई तेरे देखन भाव। कुछ है खुसरू ने अजीबोगरीब किस्म के की नज़में कहीं, जैसे उन्होंने कह मुकर्नियाँ कहीं। कह मुकर्नियों की ये खूबी है कि वो कोई बात कह देते हैं और उसका फिर इनकार करते हैं। जैसे राम पर उन्होंने एक चार लाइन का टीका मुकर्नी कही कि बखत पे बखत मोवे वाकी आस, रात दिना वो रहवत पास, मेरे मन को करत सब काम, ऐ सखी साजन ना सखी राम। तो जो इलीट तबका था मुसलमानों का गुजर 17वीं सदी के पहले, वो उसने ये कोशिश शुरू कर दी कि अमीर खुसरू की जो हिंदी शायरी है उनके सूफियाना शख्सियत में रखना अंदाजी कर रहा है, रोड़े अटका रहा है। जैसे या तो हम इसको एक्सेप्ट करें, सारी रैन उरे समझागा, होर भाई तो बिछड़न लागा, वाके बिछड़न फाटे ही या ऐसा कि साजन ना सके दिया, द्वारे मोरे अलग जगावे, भभूत बिरह के अंग लगावे, संगी फूकत खिरे भी योगी, ऐ सखी साजन ना सखी योगी, या सगरी रंग छतियन पर राखा रंग रूप, सब वाका चाखा, भोर भई जब दिया उतार, ऐ सखी साजन ना सखी हार। उन्होंने झूला चरखा चूड़िया 700 साल पहले, ऐसे 700 साल पहले झूला चरखा चूड़िया डोली कहा चौसर चुनरी केला लहना तेल सुनार रैन नैन सखी साजन, जैसे हजारों हिंदी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जिसको उर्दू वालों ने क्या किया, पहले उन्होंने उर्दू ए मुअल्ला किया उस हिंदी को, उसके बाद उन्होंने उसको रेख्ता किया, उसके बाद उन्होंने रेख्ता से उर्दू कर दिया, और उससे उन्होंने रैन सुहाग नैन ये सब चीजें छाट के किनारे कर दिया। गुलाब छाट दिया, यहाँ की जो ये हमारे जो फूल हैं चमेली वगैरह सब छाट किनारे कर दिया, क्या लाए वहाँ से नरगिस ले आए, वहाँ से लाला ले आए, लाला जार और बहुत सारे फूल ईरान से तुर्किस्तान से लाए। लेकिन अमीर खुसरू ने क्या किया, वो उस जमाने में जब नस्ल परस्ती की इंतहा थी, गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में,
जब यासुद्दीन बलबन ने कहा कि बल्लभ बुखारा और समरकंद से हर सूबे में इंतहाई जहीन और अपने फन में माहिर लोगों को बुलाया जाए और दिल्ली में बसाया जाए, यासुद्दीन बलबन हालांकि गुलाम था और वो जब बहुत बेथा बदसूरत था और जब वो खरीदा गया था बुखारा के बाजार से तो उसकी जान बाल बाल बची थी, लेकिन जब वो सुल्तान हुआ तो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया, गुरूर से मस्त रहता था, डेढ़ फीट की टोपी पहनता था, डेढ़ फीट की दाढ़ी और लंबा उसका बदसूरत चेहरा, कुल मिला के 3 फीट का उसका जब वो तख्त पे बैठता था, तो उसने दिल्ली के किले में ये ऐलान किया कि कोई मुस्कुराएगा नहीं, और अपने जो उसके महाफिज दस्ते के जो लोग थे उनको भी कहा शानदार कपड़े पहनो, तो तमाम लोग जितनी देर वो दरबार रहता था मुस्कुराता नहीं था, और दरबारी भी अगर किसी ने मुस्कुरा दिया तो खैर नहीं, और उसके महाफिज दस्ते के, आप सोचिए कि वो एक गुलाम था, और जब वो खरीदा गया तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के ज़माने में तो किसी ने कहा कि ये आपकी सल्तनत पर काबिज़ हो जाएगा, एक आपने जो जिन 100 गुलामों को ख़रीदा है उसमें एक ऐसा भी है जो आपकी सल्तनत पर काबिज़ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि वो कौन सा है क्या आप बता सकते हैं, तो नजूमी ने कहा कि अगर सारे गुलामों को मेरे सामने एक एक करके पेश किया जाए तो मैं बता दूंगा ये है, लेकिन उन 100 में नहीं बता सकता कि कौन है। तो एक दिन सुबह सबको पेश किया जाने लगा, उसी में किसी ने बाजार से सौदा लाने के लिए उसको भेज दिया, तो सरदार ने कहा कि तुमने उसको तो भेज दिया, उसकी जगह पे क्या करोगे, कहा किसी को दूसरे को भेज देंगे, इस तरह उसकी जान बची। ऐसे माहौल में जहां नस्ल परस्ती फूट फूट के भरी हो, अमीर खुसरू ऐलान करता है कि वो मैं हिंदुस्तानी हूं, और सिर्फ ऐलान नहीं करता, उन्होंने कहा कि चुमन तूतिये हिंदम अब राष्ट्र कुर्सी कि जमन हिंदवी परस्तादर्श गोयम, क्योंकि मैं तूतिये हिंद हूं इसलिए मुझसे हिंदवी में बात कर ताकि मैं अपनी शायरी की फनकारी तुम्हारे सामने वाजे कर सकूं। और उन्होंने कहा कि तुर्क हिंदुस्तानी मन हिंदवी गोयम जवाब, अगर तुम मुझे हिंदुस्तानी में बात करोगे तो मैं बहुत अच्छी बात तुम बहुत अच्छी तरह से तुमसे बात कर सकता हूँ, और अरबी फारसी की मिठास में नहीं है लेकिन हिंदुस्तान हिंदी में उससे अच्छी मिठास है। इस तरह का जो हिंदुस्तान प्रेम उन्होंने किया दिखाया है ये आज से 700 साल पहले बड़ा अपने आप में बड़ा अनोखा है, हम लोग इसलिए आज भी खुसरू को याद करते हैं कि उनके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा फैसलाकुन अंदाज में काम करने की सलाहियत खुदा ने दे रखी थी, और उसी सलाहियत की वजह से उन्होंने जो काम भी किया उसमें कामयाब रहे। हिंदी का फरोग आवामी सतह से यानी आवामी जहनों के जरिए हम तक पहुंची है, उनकी जो भी तख्लीकात हैं, बहुत सारे लोगों ने, मैंने जो अपनी किताब में उनका हिंदी कलाम शामिल किया है इससे अलग हटकर कि वो उनका है कि नहीं इस पर हमने वो नहीं किया, जो कुछ जहाँ भी मिला उनके नाम से मैंने इकट्ठा कर लिया कई किताबों से, जैसा कि मैडम ने बताया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले काम किया था जवाहर खुसरूई के नाम से उनके हिंदी कलाम को इकट्ठा किया, अमीन अब्बासी चिरैया कोटी यहाँ आजमगढ़ के रहने वाले थे, वहाँ टीचर थे मदरसतुल उलूम अलीगढ़ में, और एक मौलाना सालिम साहब थे, उनको नवाब कारुल मुल्क ने पैसा दिया जितना पैसा तुमको चाहिए ले लो और ढूंढ के निकालो जहाँ जहाँ अमीर खुसरू के कलाम हैं, तो उस ज़माने में उनको एक ही गज़ल मिली थी जहाल मिस्की, मगर बाद के मुहक्किकीन ने एक और गज़ल तलाश किया जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता होकर, कि ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर जब आँख से उझल गया तड़पन लगा मेरा दिया हफ्ता इलाही क्या किया आंसू चले भर लाए कर। हमारे यहाँ एक पंजाबी नकार हैं उर्दू में हाफिज महमूद सिरानी साहब, तो उन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू, उनकी एक बीमारी है अगर आप पंजाबी नहीं हैं या पंजाबियत आपके अंदर से कहीं पंजाबी मोहब्बत नहीं झलक रही है तो आपको रद्द करने के, आपके जो कारनामे हैं
उनको सबसे पहले वो कूड़े में डालते हैं। हाफिज महमूद सियाली साहब उर्दू के बहुत बड़े आदमी हैं, तो इस गजल को उन्होंने लिख तो दिया, हमारा यार तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझे दोस्ती किस यार है, एक सब भी दो तू आए कर, खुसरू कहीं बातें गजब दिल में न लावे, कुछ अजब कुदरत खुदा की है अजब, जब जीव दिया तू लाए कर। तो कहा कि ये मैंने लिख तो दिया लेकिन ये खुसरू की नहीं है, क्योंकि इसकी जबान बहुत साफ सुथरी है और उस जमाने में हिंदी इतनी साफ सुथरी नहीं थी कि जब यार देखा नैन भर दिलती गई चिंता उठे। तो हमारे इंतज़ार हुसैन साहब हैं जिन्होंने अपनी ज़्यादातर कहानियाँ महाभारत और हिंदी वो हिंदू मैथोलॉजी से वो करके खींच के निकाली हैं। जैसे एक कहानी उन्होंने लिखी है स्त्री पुरुष, महाभारत में जो कौशिक ऋषि का वाक्य है ना, उस पर उन्होंने लिखी है स्त्री पुरुष। कौशिक ऋषि जो गुस्से से देख देते थे कोई भी जल जाता था, तो एक दिन एक औरत के यहाँ गए किसान की बीवी के यहाँ, उन्होंने कहा खाना खिलाओ, तो तब तक उसका पति आ गया तो उसी के उसमें रह गई वो, और पंडित जी को इसी पंडित जी को कुछ पूछा ही नहीं। तो जब वो घर से निकली तो गुस्से से बहुत तेज, और आप उन्होंने पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा पंडित जी आप ऐसे घूर के मत देखिए, मैं कौवा नहीं हूँ कि जल जाऊँगी, क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले वो कौवे को जला चुके थे जंगल में, जब कौवे ने पीट कर दिया उनके ऊपर गिरा तरह से कहा घूर के देखा जल के गिर गया। तो पतिव्रता स्त्री ने कहा कि पंडित जी मैं कौवा कौवी नहीं हूँ कि जल जाऊँगी, तो उनके पाँव के नीचे जमीन खिसक गई। ये औरत उस बात को कैसे जानती थी, जानती है वहाँ तो कोई है नहीं है, तो बताओ वो पीछे पड़ गए कि रास तुम इतना ज्ञानी कैसे हो, कहा मैं नहीं बताऊंगी, आप गया चले जाइए, यहाँ गया है और वहाँ एक आपको स्लाटरी भूचड़ मिलेगा, व्याघ्र संस्कृत में कहते हैं ना भूचड़ को, वो आपको बताएगा ज्ञान की बात है। उस पर उन्होंने कहानी लिखी, इस तरह की मैथोलॉजिकल कहानियाँ इंतजार उसे लिखते थे। तो उन्होंने उनसे कहा अख्तर हफीज सियाली साहब थे क्यों नहीं मानेंगे साहब, उन्होंने कहा कि मैं लिख तो दिया लेकिन मैं नहीं मानता कि ये अमीर खुसरू का है। कहा क्यों नहीं मानेंगे साहब, उन्होंने एक मजमून लिखा गुमशुदा अमीर खुसरू, उसको मैंने हिंदी में अपनी किताब में तर्जुमा किया, दिलचस्प है। हिंदी किताब में 4-5 मजामीन जो मैंने तर्जुमा किया वो यूनिक था, वो हिंदी वालों को कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपने हिंदी दोस्तों के लिए उस काम को किया। मैं बता रहा था कि ये अमीर खुसरू, मैं उस पर चलता चला गया डूबता, वो तर्जुमे के चक्कर में जो शुरू किया था कुछ क्रिएटिव राइटिंग होने लगी उसी में, जैसे हिंदी के बारे में डॉक्टर अलवास स्प्रिंगर जिसका जिक्र मैडम ने किया, गोपीचंद नारायण बर्लिन से लाए थे, तो यहाँ 10 साल रहा स्प्रिंगर हिंदुस्तान में, और 10 साल में मुख्तलिफ लाइब्रेरियों को छान मारा, हैदराबाद दिल्ली लखनऊ पटना और लाहौर की लाइब्रेरियों से कम 2000 मखबूत कलमी नुस्खे वो ले गया था बर्लिन, और जितने ये टूरिस्ट थे कर्नल जेम्स टॉड था एक राजस्थान में आया और दिल्ली में आया, उसने बहुत सारे मनुची था, आप लोग हिस्ट्री वाले होंगे तो जानते होंगे, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट वो ये लोग ले गए उठा के, उसमें खुसरू का हिंदी मैन्यूस्क्रिप्ट भी होगा। बाद में जब तसव्वुफ और शायर का झगड़ा चला कि दुनियादार आदमी है खुसरू की सूफी है, तो अमीर खुसरू की वफात के 100 साल के अंदर छांट छांट के नायन और रैन और वो वाले जितने शेर थे जितनी नस्लें थी सब बाहर करना शुरू किया इलीट तबके थे मुसलमानों का, ताकि वो उसमें अड़चन डाल रहे उसमें तमाम, या तो ये माने या वो माने, उसमें बहुत सारे ऐसे दोहे थे, बहुत सारे ऐसी पहेलियाँ थीं, और ये जैसे उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे क्या मुकर्णियाँ थी जो सीधे सीधे इनकार करते थे कि ये सूफी नहीं है। चुनांचे जिन लोगों ने उनके मज़ार पे मतवली तैनात कर दिया और एक मोर का पंख लिए, आज भी आप दिल्ली में जाएं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के सामने उनका है, तो वो पंख से ऐसे झाड़ता है दुआ देता है, कहता है कि मेरे खुसरू आपको ये करेंगे वो करेंगे, हम लोगान जलाता है और ये करता है,
चादरें चढ़वाता है, सिरिनी बटवाता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए अमीर खुसरू का दुनियादार इंसान होना होना बड़ा खल गया। तो जो उनकी हिंदवी शायरी थी वो उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई कि इसको हटाया जाए, लेकिन लोगों का क्या, लोगों ने तो सुन लिया जिहाद मिस्की, वो भूलेंगे नहीं। फिर उनका एक दोस्त सुन लिया, फिर नस्ल दर नस्ल 700 साल तक चला आ रहा है। जैसे उनके मोहल्ले की चम्मू बाई थी, उसने कहा कि मेरे लिए भी एक चौपाई लिख दो, जैसे एक हलवाई के लिए वो लिख दिया, खालिद बारी लिख दिया, उनकी अली फारसी और हिंदी की लुगत है जिसमें आज 195 ही शेर हैं, उसमें कुल 1200 अल्फाज, लेकिन शिवली नुमानी कहते हैं कि उसमें कई दफ्तर थे, 5-7 जिल्दें थी उनकी। और वो एक बहुत वो शेर है कि जिस पे लादी खालिक बारी, हाँ, 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गाड़ी तहीं पर लादी खालिक बारी। तो एक डिक्शनरी हमें खुसरू ने लिखा था उस जमाने में, इसलिए कि जो तुर्की और जो बुखारा समरकंद के जो लोग आ रहे थे यहाँ, तो जबान का मसला पैदा हो रहा था। मैंने बताया ना कि गयासुद्दीन बलबन और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने बड़ी तादाद में लोगों को इनवाइट किया, क्वालिफाइड लोगों को, अपने अपने फील्ड में माहिरीन को, कि दिल्ली आइए और आपके लिए वो किया जाएगा, यानी आपको आपके आपकी सलाहियतों के हिसाब से नौकरियाँ दी जाएंगी। तो लोग दिल्ली आए और उनको वहाँ एक ख़ास इलाके में आबाद किया गया। यहाँ के जो किसान, यहाँ के जो मुसलमान, जो हिंदुओं से जो मुसलमान बने थे, उनकी भी उनके नज़र में वक़ार नहीं थी और हिंदुओं की तो थी नहीं, दोनों एक तरह से नेगलेक्टेड थे। जो यहाँ के जो है कारीगर, हजाम, जो धोबी, जो मुस्लिम हो गए थे, और सूफिया की वजह से, सूफिया हजरात के ताल्लुकात की वजह से मुसलमान हो गए थे, उनको भी वो खास नहीं डालते थे। उनके लिए ज़रूरी था कि आप बुखारा और समरकंद के हैं कि नहीं, तो इसके लिए शादियां करनी पड़ती थी। अगर कोई बहुत बासलाहियत आदमी है तो अपनी नस्ल चेंज करने के लिए वो शादियां करता था समरकंद बुखारा के लोगों में। उसी में से एक एमादुल मुल्क रावत भी थे, जो यहाँ राजपूत राजा थे और इल्तुतमिश के सिपाही थे, बाद में नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने में वो युद्ध मंत्री हो गए थे, यानी फौज के वजीर हो गए थे। तो उन्होंने भी अमीर खुसरू के वालिद सैफुद्दीन अमीर की लड़की, अपनी लड़की की उनसे शादी की, जिनसे अमीर खुसरू पैदा हुए। और वो शादी हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने हिसाब किताब किया उम्रों का, तो 50 साल 45 और 50 के दरमियान इमादुल मुल्क रावत की बेटी महनाज बेगम से उनकी शादी हुई थी, अमीर सैफुद्दीन। और वो 1262 में 86 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो जाता है। तो अमीर खुसरू पैदा होते हैं 1252, यानी 75 साल की उम्र में अमीर खुसरू पैदा होते हैं। अब 75 साल की उम्र में जो नौजवान पैदा हुआ, इतना इंटेलिजेंट था, इतना ब्रिलियंट था, फोटोग्राफिकल उनका ध्यान था, एक बार जो सुन लिया वो दोबारा पढ़ने की और सुनने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। यानी आपको मालूम होगा कि अमीर खुसरू को टाइम टेबल, स्कूलों का टाइम टेबल पसंद नहीं था। कभी उन्होंने मदरसे में, ज़माने में ये बहुत ही इंटेलिजेंसिया की बात थी कि जगह बहुत बड़े उस्ताद हैं और उनकी तरह से मैंने शायरी कर। आज इसको हम सिरका कहते हैं, चूड़ी कहते हैं, कि एक नज्म की तरह से दूसरी नज्म नहीं होनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी ज्यादती है कि जो तख्लीकार है उतने आइडियाज कहाँ से लाएगा, कहीं ना कहीं तो टकराना ही है।
एक ही ख्याल को बार बार नए सिरे नए तरीके से भले ही कह दें लेकिन इतने ख्याल कहाँ से लाएं, ये सवाल पैदा होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अमीर खुसरू की तमाम हिंदी शायरी हमारे वो जहनों से होकर आई, जैसे चम्मू बाई के लिए उन्होंने कहा कि औरों की चौपहरी बाजे चम्मू की अठपहरी, बाहर का कोई आए नहीं आए सारे शहरी, साफ सूफ कर आगे रखे जिसमें ना ही तूसल, औरों के जहाँ सीख समावे चम्मू के वहाँ मूसल। वो चम्मू बाई उनकी गली में थी, जिस गली में अमीर खुसरू रहते थे, तो आते जाते सलाम करती थी, तो कहती थी जरा हमारे लिए भी कुछ लिख दीजिए। वो भांग की दुकान और कुछ उस जमाने में जो लोगों के लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, चाय नहीं होगी, भांग भी नहीं थी उसकी, कुछ और शक्ल थी, चरस वगैरह कुछ रहा होगा, वो बना के खिलाती थी और लड़के वहाँ मचलते रहते थे। तो खुसरू आते जाते वो सलाम करती थी और कहती थी हमारे लिए भी कुछ लिख दीजिए, तो उनके लिए लिख दिया खुसरू ने, औरों की चौपहरी बाजे चम्मू की अठपहरी, यानी बादशाहों की तो चार ही पहर होते हैं 24 घंटे में, चम्मू की आठ पहर, चम्मू बाई के आठ पहर होते हैं, और ये तमाम शहरी और बड़े बड़े लोग इनके यहाँ आके बैठते हैं, और इन्होंने अपना जो वो बनाया हुआ है यानी जो कूट के भांग कूट के जो चीज़ बनाई हुई है जो फलवा टाइप, वो इतना सख्त होता है कि उसमें मूसल ही घुस पाएगा, दूसरे लोगों का तो होता है इतना हल्का होता है कि उसमें सींक भी चला जाता है। तो ये उन्होंने दोहा लिख दिया। इसी तरह एक बार वो जा रहे थे सड़क पे कहीं, तो प्यास लगी, कुएं पे रुक गए, चार औरतें, ये तमाम आप लोग जानते होंगे इस वाक्य के बारे में, चार औरतें थी, उसमें से एक ने पहचान लिया, अरे तो खुसरुआ है, तो जो दोहा कवक कहता है, इसने कहा कि अगर ऐसा है तो हमारे लिए भी कुछ कहो तब पानी देंगे। खुसरू ने कहा पहले पानी पिलाओ फिर मैं कुछ कहूँगा। कहा नहीं, मेरे लिए भी कहो। दूसरे ने कहा मेरे लिए भी कहो, तो पानी तो उसी शब्द पे मिलेगा जब तुम हमारे लिए कुछ कहो। तो किसी ने कहा कुत्ता पे कह दो, किसी ने कहा खीर पे कह दो, किसी ने कहा कि चरखा पे कह दीजिए, और किसी ने कहा कि नहीं साहब उस पर कह दीजिए क्या है, एक और कोई लफ्ज था कि ये मैं भूल रहा हूँ, किसी को याद है, यानी वो ऐसे है कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला है। एक ने खीर पर लिखने के लिए कहा था, एक ने चरखा पर लिखने के लिए कहा था, एक ने कुत्ते पर, एक ने ढोल पे, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला है, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा ला पानी पिला। तो ये अवामी शायर थे, और उस अवामियत की वजह से वो जिंदा, और इस तरह की अवामी शायरी उन्होंने इसलिए की कि जब वो हिंदी में कुछ कह रहे थे तो उनको कोई दबाव नहीं था, जब वो फारसी में कह रहे थे तो उनके जहन पे बहुत दबाव था कि महजब होना चाहिए, कल्चर्ड होना चाहिए, ये पढ़े लिखे बड़े लोगों के आंगन के लिए होना चाहिए। लेकिन जो सब्जी फरोश है, सब्जी बेचने वाला, कीमा बेचने वाला, ठेला खुमचे वाला, उसके पास तो कोई तहजीब होती नहीं, तो उसके लिए उन्होंने कहा ये सब चीज़ कि उन्होंने एक दो सुखना एक नया नई नई कई कई चीज़ें ईजाद किया पहेलियों के अलावा और कर्मकर्णियों के अलावा, एक दो सुखना उन्होंने ईजाद किया, जैसे हिंदी फारसी के लफ्जों को मिलाकर उन्होंने शेर कहा इसमें। सौदागर बच्चा रहा छे मी बायत, पूछे को क्या चाहिए, जवाब था दुकान। उसी तरह कुवते रूह चिश्त,
प्यारी को कब चाहिए? सदा। दूसरी तरह उसने कहा, उन्होंने कहा कि शिकारी राज्य नहीं पाए, मुसाफिर को क्या चाहिए? चाहिए दाम। उन्होंने निस्बतें एक एक लाइन की, दो दो लाइन की एक नज्म कही है निस्बतें के नाम से। जैसे हलवाई और दुबगली में क्या निस्बत है? जवाब है कुंदा। हलवाई और बाजार में क्या निस्बत है? जवाब है पन। गोटे और आफ्ताब में क्या निस्बत है? जवाब है किरण। इस तरह की शायरी की, ये तमाम शायरी जो है सीना पसीना हम तक पहुंची है। जानवर और बंदूक में क्या निस्बत है? घोड़ा। तो किसी ने कहा कि ये बंदूक तो उस जमाने में था नहीं, तो ये लगता है ये फर्जी है, लेकिन हम मैंने लिख दिया। मैंने कहा बंदूक भले ही उस जमाने में नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, बांस उससे चलाने वाला कुछ ऐसा होगा। बाद में मंजनीक ईजाद कर दिया गया, उसके पहले भी मंजनीक आ गई थी जिसमें घोड़ा होता होगा और वो दबाते होंगे। तो ये हाफिज़ महमूद सीरानी साहब ने कहा कि कहाँ से बंदूक ले आए, कहाँ से गांजा लाए, ये सब रद्द कर दिया। तो हमने कहा हाफिज़ महमूद साहब को ये दिक्कत है कि खुसरू की इंग्लिश शायरी में कहीं पंजाबियत नहीं है, इसलिए वो तमाम तरह के इल्जामात लगा कि ये उनका नहीं है, ये उनका नहीं। आम और जेवर में क्या नस्बत है? कीरी, कहरी। मकान और अनाज में क्या नस्बत है? कंगनी। तो इस तरह की जो हिंदी शायरी हमारे सीना बसीना में खुसरू का हमारे यहाँ चला आया आया है, हम तक पहुँचा है और हम उनको याद करते हैं। तो वो उनकी जो चार पांच बातें खास तौर से मकबूल हैं, एक तो ये है कि वो 11 दरबारी थे और 11 लोगों के साथ उन्होंने अपनी दरबारी ज़िंदगी गुजारी और तमाम लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जैसे 20 साल की उम्र में जब उनके नाना इनादुल मुल्क रावत की वफात हो गई, तो उनका सबसे पहला मजमूए कलाम तोहफ़तु सिर शाया हो चुका था और उसको लेके वो घूम रहे थे। वो चाहते थे कि किसी अमीर या वजीर के यहाँ हमको नौकरी मिल जाए, तो मलिक छज्जू जो यासुद्दीन बलबन का भतीजा था उसके यहाँ उसने उनको नौकरी पर रख दिया। मलिक छज्जू जो है कोल का जागीरदार था, कोल अलीगढ़ को पहले कोल कहा जाता था, उनको रख लिया। वहाँ अमीर खुसरू का काम ये था कि शाम की महफिलों के लिए गजलें लिखना और नाचने गाने वालों का इंतजाम करना। ये 2-3 साल तक ये चला। फिर मलिक छज्जू से किसी बात पे अनबन हो गई। असल में हुआ ये कि उसका बेटा बुबरा खान जो था यासुद्दीन बलबन का, वो एक महफिल में, यासुद्दीन बलबन ने तो शराब पीने पर और इस तरह की महफिलों पे पाबंदी लगा दी थी। तो ये लोग जानते हैं क्या करते थे, इन लोग अपने जागीर पे चले जाते थे। जैसे नाच गाना सुनना होता था तो वो दिल्ली से अलीगढ़ आ जाता था मलिक छज्जू, और बुबरा खान भी दिल्ली से बाहर फार्म हाउस बनवाया होता जहाँ, और जासूस भी लगाया रहता था कि हमारे बच्चों में भतीजों में देखो कोई नाच गाने में अगर वो दिलचस्पी ले रहा हो तुरंत बताओ। फजूल खर्ची में भी उसने बहुत ज़बरदस्त रोक लगाई थी यासुद्दीन बलबन। तो ये लोग छुप छुप के ऐसा काम करते थे। एक दिन ये बुबरा खान और मलिक छज्जू और ये सुल्तान मोहम्मद जो मुल्तान का गवर्नर था, ये सब लोग इकट्ठे थे। तो वहाँ खुसरू बहुत ही हसीन गजल अपनी सुनाई फारसी की, तो बोरा खान ने उसको अशरफियों से भरा हुआ एक दस्त दिया और वो दस्त वो ले नहीं रहे थे, लेकिन वो ले लिया तो मलिक छज्जू को बुरा लगा कि हमारी महफिल में दूसरे से इनाम उन्होंने क्यों लिया। उसने घूर के देखा और इससे पहले वो बाजपुर करता और इनको सजा देता, ये उसकी उसका छोड़ के चले गए, भाग लिए अमीर खुसरू वहाँ से। फिर वो मलिक बुबरा खां के यहाँ गए और वो बुबरा खां समाना छावनी लुधियाना के पास थी, पहले पुराने ज़माने में बहुत वो था सड़क पे, वो एक छावनी थी जो सरहद पे बनाया हुआ था सल्तनत काल के सुल्तानों ने। तो वहाँ उसको गवर्नर था समाना का, तो वहाँ चले गए और उसने नौकर रख लिया। 2-3 साल उसके साथ रहे, लेकिन इसी ज़माने में यासुद्दीन बलबन
फौजी मुहिम पे चले गए बंगाले की तरफ, तो उसको भी लेते गए बोगरा खां को। पहले तो वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब बंगाल गया तो वहाँ से वापस नहीं आना चाहता था। वहाँ की आबो हवा उसको इतनी अच्छी लगी और सेफ लगा उसको, कहा कि यहाँ बगैर किसी मुकाबले के हम यहाँ सल्तनत सुल्तान बन सकते हैं और अपनी हुकूमत चला सकते हैं। लेकिन वहाँ अमीर खुसरू एक दिन नहीं रहना चाहते थे। फिर अमीर खुसरू ने बहुत सारे कसीदे लिखे उसकी तारीफ में और कहा सरकार मुझे छोड़ दीजिए, मेरी माँ दिल्ली में है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो बहुत मुश्किल से उसने कहा ठीक है, जब तुम दिल्ली जाना चाहते हो तो जाओ। तो अमीर खुसरू दिल्ली आ गए और उसके बाद से ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया सुल्तान मोहम्मद को। फिर चले गए मुल्तान, चले गए मुल्तान में सुल्तान मोहम्मद मंगोलों के हमले में उसकी वफात हो गई और अमीर खुसरू भी गिरफ्तार हो गए। पहली बार वो गिरफ्तार हो जाते हैं वहाँ, तो गिरफ्तार एक मंगोल उनको नंगा करके और गले में रस्सी बांध के उसमें बांध अपने घोड़े के उसमें जीन में बांध के ले जाता है। बहुत दूर तक चलते चलते जब दोपहर हो जाती है तो रावी नदी के किनारे दोनों रुकते हैं, अब घोड़ा है और मंगोल सिपाही। खूब पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा प्यासे थे। अमीर खुसरू जानते थे कि जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो छप के पानी नहीं पीना चाहिए, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन मंगोल और उसका घोड़ा दोनों छक के पानी पिए और वहीं धड़ाम से गिर गए। अमीर खुसरू ने कहा कि एक अकलमंद आदमी की तरह मैंने सिर्फ अपना होंठ गीला किया और मुंह पे छींटा मारा और वहाँ से भाग निकला। वो दिल्ली आए जंगल जंगल होते होते और यहाँ उन्होंने एक मसीहा लिखा। तो मसीहा जब यासुद्दीन बलबंग के दरबार में पहुँचा तो वो बहुत दहाड़े मार कर रोया और उसी रंग में उसकी डेथ भी हो गई एक साल के अंदर ही यासुद्दीन बलबंग की। तो अमीर खुसरू की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि लोग कहते हैं कि कैसे 11 वजीरों और सुल्तानों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली और उन पर कोई आँच नहीं आई। तो दो काम करते थे, एक तो जब सुल्तान बनने के की जो रस्साकसी होती थी उसमें मुदाखलत नहीं करते थे, वो वहाँ से दूर हो जाते थे, रुपोश हो जाते थे। यासुद्दीन बलबन ने वसीयत की थी कि सुल्तान मोहम्मद के लड़के कैक खुसरू को सुल्तान बनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कैक उबार को बुगरा खां के लड़के को बनाया जाए। तो उस रस्साकसी में अमीर खुसरू दूर रहते हैं और कैक उबार जो है सुल्तान बनता है। 17 साल का नौजवान, बहुत पढ़ा लिखा, अपनी निगरानी में पढ़ाया था यासुद्दीन बलबन ने उसको, बहुत सही और बहुत ही होशियार किस्म का आदमी, फारसी का माहिर था, शेर भी करता था, लेकिन उसकी उम्र 17 साल की थी। इस दौरान जो है अमीर खुसरू गायब हो जाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने कैकुबाद को पास सुल्तान बनाया था वो अमीर खुसरू को पसंद नहीं कर रहे थे। तो पटियाली चले गए, वो पटियाली में रहे, फिर बाद में आए। इस दौरान जो है जब आए तो कैकुबाद ने उनको बुलवाया और कहा कि हमारी तारीख में एक ऐसी किताब लिखो ताकि हमारा भी नाम दुनिया में रहे। तो जब वो पटियाली में रहे तो वो अमीर सर जागदार के साथ रहे। फिर वो आ गए दिल्ली और दिल्ली में जल्द ही कैकुबाद जो है उसके बहुत ज़्यादा शराब पीने और तमाम बुराइयों की वजह से, क्योंकि नौजवान था उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, पूरी काबुल से लेके और बंगाल तक की सल्तनत को संभालना था। दूसरे लोग संभाल रहे थे लेकिन बयासी में इतना मस्त हुआ कि उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद से फिर अमीर खुसरू रुपोश हो गए और कैकुबाद के बाद जो सुल्तान बना जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने में अमीर खुसरू बहुत कामयाब अमीर थे, बहुत ही शायरी में भी वो काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। जलालुद्दीन खिलजी की वफात के बाद जलालुद्दीन खिलजी जितना ही इनको प्यार करता था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनका कत्ल कर दिया चाकू घोंप के, तो उसकी कोई मुखालफत नहीं किया उन्होंने अमीर खुसरू ने।
ज़ियाउद्दीन बरनी एक तारीखदान है जो 30 साल छोटा था उस जमाने में, बिल्कुल 17-18 साल का था जब हमें हुज़ूर 50 साल के हो रहे थे, तो अक्सर तंज करता था इनपे कि आपके सबसे बड़े मोहसिन का कत्ल हो जाता है और आप एक लफ्ज नहीं कहते हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बन के आ गया तो उन्होंने कसीदा पढ़ दिया उसकी तारीफ में। तो ऐसे में हम देखते हैं कि वो किसी एक बादशाह के की तरफ होने का मतलब है नहीं करते, तो एक ज़हीन आदमी की तरह हमेशा उन्होंने तनाजे से अलग रह के काम किया। लेकिन उनकी ज़हानत जो है, उनकी मौसीकी हो या तसव्वुफ हो, सब में काम किया। और उनका तसव्वुफ जो था ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दोस्ती से भरपूर था, दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। ख्वाजा साहब उनको बहुत चाहते थे, अगर वो सर झुका के अपनी महफिल में बैठे हुए हों और 200 लोग बैठे हुए भले ही, तो अमीर खुसरो के आने के बाद वो देख कर मुस्कुरा देते थे, सर उठा देते थे और मुस्कुरा के और ऐसे दाहिनी तरफ इशारा कर देते, तो दाहिनी तरफ जो लोग बैठे रहते थे वो जगह खाली कर देते। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से उनकी जो उनका जो लगाव था वो दो तरह से था, एक तो ये कि वो भी बहुत अच्छे शायर थे और बहुत पढ़े लिखे थे, अगर वो सूफी नहीं होते तो वो कहीं के काजी होते, क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद से कहा था कि मुझे कहीं काजी बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम काजी के लायक नहीं हो, तुम कुछ और बनो। और उन्होंने अपने बड़े भाई बाबा फरीद के यहाँ भेजा, जहाँ से उन्होंने सलूक और मार्फत की चीज़ें सीखी। तो शायरी उन्होंने छोड़ दी और अमीर खुसरो शायर थे। अमीर खुसरो से एक उनकी ज़हनी लगाव की एक वजह ये थी कि वो जब ये जाते थे उनकी महफिलों में तो दरबार की कुछ खास खास बातें बताते रहते थे, तो एक तरह से मीडिया इंचार्ज का भी काम करते थे उनके ख्वाजा साहब। ये दोस्ती, इस दोस्ती की बिना पर ही कई बार उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब ने कहा कि कभी कभी मैं चाहता हूँ कि अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं अमीर खुसरो को अपनी कब्र में दफन करने की इजाज़त दे देता, या एक बार उन्होंने कहा कि अगर मेरा सर चीर भी दिया जाए तो मैं खुसरो की दोस्ती को नहीं छोड़ूंगा। ये कुछ ऐसी बातें थी जो लोगों को ऐसा लगा कि ये बहुत बड़े सूफी थे हैं और इनको इतने बड़े सूफी पसंद करते हैं, लेकिन मजमूई एतबार से खुसरो एक बहुत बड़े शायर थे और बहुत बड़े हिंदी के बहुत बड़े शायर थे, और ऐसा शायर जो हिंदुस्तान से गहराई से प्यार करने वाला शायर था। और मैंने अभी अर्ज़ किया कि उनकी हिंदी शायरी जो हमारे सामने मुस्तफ़ा हालत में है, ऐसा इसलिए है कि वो आवाम के लिए लिखी गई थी और उनको उन्होंने पब्लिश नहीं कराया, या हो सकता है कि पब्लिश कहीं लिख के रखा हो, वो बीच में जो ओरिएंटलिस्ट थे इंग्लैंड और इंग्लैंड के और यूरोप के जो स्कॉलर थे वो उठा ले गए। उसका सबूत यह है कि प्रोफेसर गोपीचंद नारायण को 150 पहेलियों का एक मजमुआ बर्लिन में मिल गया था, हालांकि उस जमाने में 7-8 लोग और भी तलाश कर रहे थे बर्लिन में, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिला। तो इसलिए उनकी जो शायरी थी हिंदी की वो उनकी जहानत से भरपूर थी, उसी तरह जैसे उनकी मौसीकी के भी बहुत बड़े माहिर थे। मौसीकी में मेरी जो तहकीक कहती है कि वो एक कुर्मती खातून थी जो जलालुद्दीन खिलजी के दरबार के चीफ यानी मेन रक्कासा थी, अमीर रक्कासा के तौर पे काम कर रही थी और ये अमीर खुसरो ने ही उसको तैनाती दिलवाई थी। वो ईरानी और तुर्की मौसीकी में माहिर थी और अमीर खुसरो हिंदी जानते थे, तो हिंदी और तुर्की के मिलने से जो मौसीकी बनी है वो उसे अमीर खुसरो ने राइज किया। साज
बनाए और राग बनाए। हर जमाने में 150-200 राग होते हैं, लेकिन कुछ राग ही ऐसे हैं जो आम रिवाज में होते हैं। उस जमाने में जो राग अमीर खुसरू ने बनाए थे उसमें खास तौर से मजीद राग साजगरी, ऐमन कल्याण, उसाक, मवाफिक, गदम, तराना। तराना और ख्याल एक दो ऐसे राग हैं जो आज भी उसके उसको थोड़ा सा तब्दील करके और हमारे मौसीकार लोग उसमें गाते हैं। ख्याल में सब घर आनंद बखावा, लारी लेना फूलन दे सेहरा, सब जग में भयो जियारा, जब हजरत जन्म पायो सब जंगल गायो। उसी तरह ख्याल में उन्होंने एक राग बनाया कि सुल्तान जी साहब ने जानुद्दीन अलिया तू है, बलबल जाऊँ मैं पीर पूछूँ दिया चरण तेरे, दुनिया खुसरू पाया मैंने अपना ऐसो पीर मुरे तुम निजामुद्दीन अलिया। कौर कव्वाली और तराना उनके रागों की और उनकी गायकी का एक बहुत अहम मन कुंतो मौला दर्दिल दर्दिल ये अहम हिस्सा है। लेकिन साज भी उन्होंने साज बनाया, जैसे तबला बनाया तो तबला तबल तबला कोई नया साज नहीं होता है, तबल से है जो जंगों में जिसको महाभारत काल में भी तबल बजता था जंगों शुरू हो गए तो उसको काट के दो छोटा छोटा करते एक बड़ा एक छोटा, जो बहुत बड़ा तबल था उसको काट के उन्होंने छोटा कर दिया और उसमें थोड़ी सी बहुत कशिश पैदा कर दी। उसी तरह ढोलक को प्रभाव बहुत बड़ा था, उसे काट छोटा करके ढोलक बना दिया जो एक आदमी आराम से बजा सकता है हाथ में लेकर। इस तरह सितार, सितार को उन्होंने ईजाद किया, लेकिन सितार को 100% हम कहें कि ईजाद किया ये गलत होगा, क्योंकि वो बीना से है। बीना जो कदीम हमारे मौसीकी के उसमें बीना का इस्तेमाल होता रहा है, नटराज शिव ने भी इसका इस्तेमाल किया है और उसके महाभारत काल में भी बीना का इस्तेमाल होता रहा है। उसमें बस आपने अमीर खुसरू ने यह किया कि तारों को कम करके तीन तार कर दिया और बजाने के लिए एक लोहे का कुछ मिजरा बनाए जो उंगली में लगा के उसको बजाते थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि मुगल काल में तानसेन के लड़के अमृत सेन ने उसको बढ़ा के 7 तार कर दिया, तो आज भी सितार के तारों को घटा बढ़ा के लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सितार सहतार जिसको हम कहते हैं, तो अमीर खुसरू की ईजाद इसलिए है कि वो वीणा के बहुत सारे तारों को काट के और वीणा बहुत लंबा होता था उसको छोटा करके जिसको अनालंबी कहते थे उस जमाने में, उसको काट के छोटा करके और सहतार यानी सितार बनाया। और सितार में भी कई तरह के मसीद खां और रजा खां और औरंगजेब के ज़माने में एक मौसीकार थे, उन्होंने भी उसमें तरमीम किया सितार में। आज भी सितार सबसे पुरकशिश आला है मौसीकी का, म्यूजिक का। तो ये जितनी खूबियाँ थी अमीर खुसरू के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी तवील हो रहा है और हमारे सामीन भी शायद बोरियत की वजह से उठ के जा रहे हैं। तो जितनी खूबियाँ उनके अंदर थी वो उनके ज़हानत से भरपूर, और जब मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि वो एक बहुत खालिस दुनियादार आदमी थे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे लेकिन वो पैसे रखते नहीं थे, यानी एक कलंदर सिफत सूफी कहा जा सकता है उनको, कि दुनिया से दुनिया में रह के दुनिया से बे रगबत थी, यानी दुनिया में रह के दुनिया में नहीं, पैसे बहुत कमाए और गरीबों में बांटते चले गए, कोई हाजतमंद कोई ज़रूरतमंद में तकसीम कर दिया कहीं बांट दिया। तो इस तरह के जहन के लोग आज भी हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा आला दर्जे के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके कुछ लोगों के अंदर ये जज्बा है कि अगर पैसा है तो उसको गरीबों में बांट दे। कुछ बहुत सारे लोग नहीं भी ऐसा करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं की रूह में हम कह सकते हैं कि तसव्वुफ का जज्बा कार फरमा है और अमीर खुसरू उसी में से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया खुदाबस्त ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और उनके स्टाफ का और मैडम का कि
मुझे अपनी बात करने का मौका दिया इस मौके पर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस लेक्चर का थोड़ी देर में अच्छे खासी बातों से हम लोग वाकिफ हो गए अपने खुसरो के बारे में। हमारी स्टूडेंट्स जो हैं इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लेक्चर्स उधमपुर लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करती रहे, और अमीर खुसरो जैसे गंगा जमनी कल्चर के जो प्रतीक रहे हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी होती रहे, उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। अब तक ये तो पता चल गया होगा हमारे साथियों को कि अमीर खुसरो वॉज ए जीनियस, जैसा कि अभी आपने ये लर्नेड स्कॉलर का आर्टिकल सुना उससे ये ज़रूर वाजे हो रहा है कि ही वॉज अ जीनियस एंड वेरी लर्नेड स्कॉलर। ही वॉज ए लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी भी तैयार करी, पोइट्री भी कही, हिस्ट्री की किताबें भी लिखी, प्रोज राइटर एंड पोइट क्या क्या नहीं दे, और म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ईजाद कर रहे हैं। तो आप सोचिए ज़रा उस ज़माने में लोग एटलस लाइक पर्सनालिटी हुआ करते थे और बड़ी उनके अंदर वर्सेटैलिटी बहुत हुआ करती थी, हर चीज़ में महारत, कैन यू इमेजिन। और अब ज़माना आ गया है स्पेशलाइजेशन का, ये और बात है, लेकिन हम लोग वैसी पर्सनालिटीज़ को आज भी बड़ा इंजॉय करते हैं और बहुत शौक से पढ़ते हैं। एक झलक अमीर खुसरो के वर्क्स के बारे में ज़रा सा मैं भी नाम गिना दूँ, चंदे जो याद आ गए तो आप भी सुने। लाइब्रेरी में आप ये चीज़ें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी में अमीर खुसरो पर अच्छे खासा लिटरेचर मौजूद है, इनकी ऑलमोस्ट ऑल द वर्क्स आर अवेलेबल इन आर लाइब्रेरी। तो जिक्र था इनके कामों का, नौ सिफर, गोरतुल कमाल, हर्ष बहिश, तुगलकनामा, तोहफतुस्सिर, वस्तुल हयात, किरानुस्सादैन, मिफ्ताहुल फुतूह, खज़ाइनुल फुतूह, एजाज़ खुसरवी, अफज़लुल फवाइद, निहायतुल कमाल, खालिक बारी, जवाहिर खुसरवी, क़िस्सा चहार दरवेश। ये चंद एक नाम याद आए तो मैंने कहा आप लोगों पे को भी अवेयर करा दूं कि जब चाहें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ टाइम निकाला आके सुना, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब कि इन्होंने हमारी फरमाइश पर अमीर खुसरो को ज़रा सी देर में इस तरह इंट्रोड्यूस करा दिया जैसे हम उनको ज़माने से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद।